क्या आप सॉरी आप क्या यह काम नहीं करते हो? ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो रही है आपको WH फैमिली में, आई नो। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, जब आप समझ जाओगे ना तो इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, जब मैं आपको सेंटेंस बनाना बताऊँगा ना तो इजी हो जाएगा थोड़ा। तो मैंने यहाँ लिखा है डबल इंट्रोगेटिव और नीचे लिखा है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो। तो क्या आप यह काम करते हो? आप क्या यह काम करते हो? आप क्या यह काम नहीं करते हो? देखो, ये जो है इसमें स्टार्टिंग में क्या है, ठीक है? अगर स्टार्टिंग में अगर आपका क्या आएगा ना तो वो आपका टेंस होता है। तो इसको कैसे बनाएंगी? डू यू डू, डू यू डू दिस वर्क, दिस वर्क क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमने इसे किससे बनाया? टेंस से बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे तो वॉट यूज़ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले क्या है, अगर कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसमें सबसे पहले अगर क्या आ जाता है तो वहाँ पे आपका डू या डज यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है आपका प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उसके बेस पे। ठीक है, जैसे आपने टेंस में सीखा था। ठीक है, और अगर आपका सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, यानी कि ये जो है आप सब्जेक्ट है और इसके बाद यहाँ पे है क्या, ठीक है? तो सब्जेक्ट के बाद अगर क्या होता है तो वो आपका WH फैमिली होता है। WH फैमिली मतलब WH फैमिली डबल इंट्रोगेटिव है ना। तो या आप इसको सिंपल बोल लो WH फैमिली, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या है तो WH फैमिली का डबल इंट्रोगेटिव या WH फैमिली। तो इसको कैसे करेंगी? तो इसको कैसे करेंगे और इसको कैसे करेंगे? ठीक है, अब देखो, हमने इसका एक रूल सीखा था, रूल नंबर वन ही अप्लाई होगा ना, क्योंकि ये स्टार वाला तो नहीं है। तो रूल नंबर वन क्या कहता था इसका, WH फैमिली का? सबसे पहले बोलता था कि सबसे पहले आपको WH फैमिली लगाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको WH फैमिली लगाना है, इसके बाद आपको क्या यूज़ करना है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मतलब टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी कोई से भी, प्लस ठीक है सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर वर्ब एंड अदर वर्ड, इसी में आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो था आपका रूल नंबर वन था WH फैमिली का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी आपको पहले बताया था ये सारी चीज़ें। चलो, तो अब यानी कि ये यानी कि सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, तो इसको बनाते हैं। अब कैसे बनाना है तो ये तो ऑलरेडी आप समझ गए। अगर क्या पहले होता है आपके किसी भी जो है आपका हिंदी में कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या पहले आ जाए तो वो टेंस के अकॉर्डिंग जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे कर देते हैं। अगर सब्जेक्ट के बाद अगर क्या होता तो वो आपका क्या होता है? WH फैमिली का डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ना। क्यों हुआ डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्यों आया ये भी मैंने आपको पहले समझा दिया था। चलो, तो अब इसको बनाते हैं। आप क्या यह काम करते हो? तो देखो, सबसे पहले यहाँ रूल नंबर बोला गया है कि सबसे पहले WH फैमिली लगाओ। तो WH फैमिली क्या है? वॉट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद क्या है तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉट। ठीक है, अंतर है, ध्यान देना। ठीक है ना, अगर क्या पहले होता तो टेंस होता, टेंस के अकॉर्डिंग वो बनता। अगर सब्जेक्ट के बाद क्या है तो वो आपका WH फैमिली के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, चलो। और ये आपका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, ता है, ती है, ते है। देखो लास्ट में ते है की बात हुई है यहाँ पे। तो आप क्या यह काम करते हो? तो वॉट हो गया आपका, यानी कि WH फैमिली वॉट हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में? डू और डज। तो यहाँ पे क्या आएगा? यानी कि डू और डज होता है ना, डू और डज। तो इन दोनों में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? तो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आप, आपको क्या बोलते हैं? यू। और यू के साथ क्या आता है? डू या डज। तो यहाँ पे क्या आएगा? डू आएगा। यू के साथ हमेशा क्या आता है? डू आता है, आपने सीखा होगा टेंस में। तो क्या होगा? वॉट, हेल्पिंग वर्ब डू। देखो, वॉट हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब कैसे पता करोगे? हम सेंटेंस को पहचानेंगे कि ये सेंटेंस जो है टेंस का कौन सा पार्ट है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट में ता है, ती है, ते है आया है, और उसमें जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज। चलो, तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे डू लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट आपका यू है। ठीक है,
तो वॉट हेल्पिंग वर्ब आपका डू, ठीक है, डू या डज में आपने लगाया डू क्योंकि सब्जेक्ट आपका यू है. तो वॉट डू यू, करने को क्या बोलते हैं, वॉट डू यू, आप क्या यह काम करते हो, वॉट डू यू डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, दिस वर्क क्वेश्चन मार्क विल बी देयर. ठीक है, वॉट डू यू डू दिस वर्क, क्या आप यह काम करते हो. ठीक है, और अब देखो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे होगा, आप क्या यह काम नहीं करते हो, तो कैसे करेंगे, वॉट डू यू, सारा सेम है, बस सब्जेक्ट के बाद ना आपको नॉट लगाना है, वॉट डू यू नॉट डू दिस वर्क क्वेश्चन मार्क विल बी देयर. ठीक है, तो देखो कितना डिफरेंट था, राइट. तो ये सारी चीज़ें थी, अगर आपका सबसे पहले क्या हो तो आपका टेंस होता है, और अगर आपका सब्जेक्ट के बाद क्या हो तो आपका डब्ल्यू एच फैमिली होता है. तो एक चीज़ ध्यान रखना, ओवरऑल जो है, जो मैंने अभी आपको बताया है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा करना है, थोड़ा सा मैंने ग्रामर में थोड़ा सा बता दिया ज़्यादा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना आप कन्फ्यूज़ हो गए होंगे, कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो गए होंगे, ठीक है, और कुछ को समझ में आ गया होगा. चलो अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, तो आपको तो ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, और ये भी क्लियर हो गया, ठीक है, और रोल भी आपको क्लियर है डब्ल्यू एच फैमिली का. यहाँ पे कुछ लोगों को दिक्कत आई होगी जिनको टेंस नहीं आता, कोई बात नहीं, ये तो था फर्स्ट तरीका, ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया. अब इसी को हम डिफरेंट वे में करते हैं, थोड़ा सा अलग अंदाज में जो हम करते थे स्पोकन में, ठीक है. चलो तो ये मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, क्या किसे क्या बोलते हैं, किसे क्या नहीं बोलते हैं. चलो अब इसे मिटा देता हूँ. देखो तभी तो ये गलतियाँ होती है, क्वेश्चन हम कैसे करें लोगों से, ठीक है, क्वेश्चन करना ही बहुत दिक्कत वाली बात है ना, क्योंकि हम डब्ल्यू एच फैमिली को सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं, इस वजह से हमारी मतलब इसमें दिक्कत हो जाती है. चलो तो वॉट को करेंगे हम तीनों टेंस में करेंगे, यानी कि टेंस के कितने होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इनके सारे होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट की, ठीक है, अभी हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं, राइट. समझो आपने वो सीख, जिन्होंने सीख लिया प्लस पॉइंट है उनके लिए, और जिनको थोड़ी कन्फ्यूज़न है वो उसको क्विट करके थोड़ा सा इस पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है, टेंस आना चाहिए आपको बस, ठीक है, जिनको टेंस आता है इस पर थोड़ा फोकस कर लें, राइट. चलो तो प्रेजेंट में करना है इसको, फिर दूसरे में करना है पास्ट में, और तीसरे में करेंगे हम फ्यूचर में, ठीक है, यानी कि वॉट को हम क्या है तीनों में करेंगे, राइट. चलो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक एक सेंटेंस आपको मैं बना के दिखाऊंगा इसका. सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट. दूसरा हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट. तीसरा हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, पूरा ही लिख देता हूँ नहीं आपको कंफ्यूज हो जाओगे फिर, फ्यूचर सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट. चलो तो बनाते हैं, यानी कि कोई ऐसा सेंटेंस जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो. तो मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा आप वहाँ क्या करते हो, क्वेश्चन मार्क, आप वहाँ क्या करते हो, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपने वहाँ क्या किया, ठीक है. पास्ट इंडेफिनिट की आपको पहचान क्या होती है, किया, दिया, पिया, खाया, है ना, तो उसमें मैंने बना दिया. प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते है, तो उसमें मैंने किया, ठीक है. और फ्यूचर में क्या है, गा, गी, गे, तो क्या होगा, आप वहाँ क्या करोगे, आप वहाँ क्या करोगे, ठीक है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, है ना. चलो
अब कॉन्टिनेंस कर लेते हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंस कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कॉन्टिनेंस की बात करेंगे। और यहाँ पे भी हम कॉन्टिनेंस की बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो तीनों में कॉन्टिनेंस हो गया आपका, राइट। अब देखो, आप वहाँ क्या करते हो, इसको हम कॉन्टिनेंस में करेंगे, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिनेंस में आप वहाँ क्या कर रहे हो। तो कॉन्टिनेंस में क्या आपका रहा है, रही है, इसमें था आ जाएगा, रहा था, रही थी, इसमें रहा होगा, रही होंगी आ जाएगा, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, देखो, आप वहाँ क्या कर रहे हो, आप वहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आप वहाँ क्या कर रहे थे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप वहाँ, ठीक है, आप वहाँ क्या कर रहे होंगे, आप वहाँ क्या कर रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन नहीं आएगा, आ जाएगा, क्योंकि आपका जो है डब्ल्यू एच फैमिली है ना, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो देखो, इंडेफिनिट की पहचान, ये आपको पहले से पता होगा कि या इसमें गागी गे, है ना, होगा, होगी, होंगे, और इसमें देखो क्या हो गया, रहे हैं, रहे थे और रहे होंगे। एक हमारा बचा परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमारा यूज़ नहीं करते हैं लोग स्पोकन में, तो मैं वो नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो चलो, परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट यहाँ पे भी लिख देता हूँ, परफेक्ट, परफेक्ट, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ परफेक्ट, ठीक है। चलो, अब इसको हमें किस में बनाना है, परफेक्ट में बनाना है, राइट। तो आप वहाँ क्या, आपने वहाँ क्या किया है, या आप वहाँ क्या कर चुके हो, या आपने वहाँ क्या किया है, दोनों ही एक ही जैसा सेंटेंस है। तो परफेक्ट की पहचान क्या होती है, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, इसमें था आ जाएगा, इसमें होगा आ जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ क्या, आपने वहाँ क्या किया है, आपने वहाँ क्या किया है, यहाँ पे हो जाएगा, आपने वहाँ क्या किया था, और यहाँ पे हो जाएगा, आपने, आपने वहाँ क्या, ठीक है, आपने वहाँ, ठीक है, आपने वहाँ क्या किया होगा, ठीक है, राइट। तो मैंने देखो, प्रेजेंट का भी मैंने तीनों बता दिया, पास्ट भी तीनों कर दिया, और फ्यूचर भी तीनों कर दिया, लेकिन व्हाट को ऐड कर करके, ठीक है। अब इसे हम बनाएंगे, कैसे बनाना है, राइट। तो इसे हम जो है बनाएंगे कैसे, चलो करते हैं स्टार्ट। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो डब्ल्यू एच फैमिली का रूल नंबर वन क्या होता है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। डब्ल्यू एच फैमिली जो है उसका रूल नंबर वन क्या होता है, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली लगाना है, प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, इसके बाद में आप क्या यूज़ करोगे, सब्जेक्ट यूज़ करोगे, प्लस वर्ब एंड अदर वर्ड, अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट इसी में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, इसी के बेस पे सारा बनेगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सा हम बात करेंगे, टेंस वाली, क्योंकि इसमें मॉडल्स भी आता है, तो मॉडल्स मैंने आपको सिखाए नहीं है अभी, ठीक है, तो हम टेंस वाली बात करेंगे, राइट। चलो तो करते हैं स्टार्ट। तो देखा, वो वाला थोड़ा झोल हो गया था आपको, जो मैंने डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, शायद ही कुछ लोगों ने उसे सुना हो पहले, अगर ज़्यादा झोल है, अगर आपको टेंस अच्छे से आता है, उसके रूल पता है, उसकी पहचान पता है, तो उसे ज़्यादा ध्यान मत देना। अगर जिनको समझ में आ गया, उनके लिए प्लस पॉइंट है, ये दूसरा जो है मेथड जो आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों ही वे है, आप, अच्छी बात है, जो समझ गए उनके लिए प्लस पॉइंट है, जो नहीं समझे वो इस पे थोड़ा फोकस कर ले, थोड़ा इजी तरीके से मैं उनको समझा रहा हूँ।
तो मैं अभी एक ही सेंटेंस, एक ही डब्ल्यू एच फैमिली मैंने इसमें ऐड किया है टेंस में, ठीक है, राइट। चलो तो करते हैं अभी स्टार्ट, यानी कि प्रेजेंट इनडेफिनेट, राइट। तो आप वहाँ क्या करते हो, तो कैसे करेंगे, यानी कि ये जो रूल है आपका, यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एंड अदर वर्ड, इसी को ही यूज़ करना है आपको। यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली का जो रूल है वन, सारा टेंस इसी पे ही है, ठीक है। और रूल नंबर सेकंड जो है उसमें स्टार वाले हैं, वो अलग करेंगे, जिसमें स्टार वाले आपके होंगे सिक्स, आप उसको काउंट कर सकते हो, जो स्टार वाले वर्ड्स हैं डब्ल्यू एच फैमिली के वो सिक्स हैं, ठीक है। तो ये करते हैं हम, चलो तो इस रूल के बेस पे करेंगे। तो सबसे पहले बोला गया कि यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली आपकी ये है क्या, यानी कि सारे लाइनों के बीच में क्या है, मतलब क्या पहले नहीं होगा, ये बीच में होगा, ठीक है। तो आपका डब्ल्यू एच फैमिली तो बनाते हैं, आप क्या, आप वहाँ क्या करते हो, तो कैसे होगा, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली क्या है आपका, वॉट, ठीक है। आप क्या वहाँ करते हो, आप वहाँ क्या करते हो, सॉरी, तो वॉट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यानी कि सबसे पहले आपको पहचानना है टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, ठीक है। डू लगाएं या डज लगाएं, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज, यही होती है ना आपकी, तो डू लगाएं या डज लगाएं। तो देखो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, इसके रूल को हम देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तो हमने डब्ल्यू एच फैमिली लगा लिया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, डू या डज, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू, तो इसके साथ डू लगता है, ठीक है। तो वॉट डू यू, वॉट डू, सब्जेक्ट क्या है, यू, करने को क्या बोलते हैं, डू, वॉट डू यू डू, ठीक है। अदर वर्ड में क्या आ गया आपका, वहाँ देयर, तो यहाँ पे लिख दिया देयर, ठीक है। आप वहाँ क्या करते हो, अगर आप किसी से क्वेश्चन करो, व्हाट डू यू डू देयर, ठीक है, आप वहाँ क्या करते हो, ठीक है, क्वेश्चन कर सकते हो आप। अब इसी को हम करते हैं पास्ट में, आपने वहाँ क्या किया पास्ट में, पास्ट में यानी कि आपको पहचान पता है ना, किया, दिया, पिया, लास्ट में आ, ई, ए या आता है, तो आपने वहाँ क्या किया, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, उसका नेगेटिव में आता है ना, ठीक है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में सब में डिड आता है, और सिंपल में तो नहीं आता है ना, तो हम तो हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, आपने वहाँ क्या किया है, तो कैसे करेंगे, वॉट तो आएगा ही आएगा इसमें, वॉट, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, डिड लगा दो, सब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक है, वॉट डिड यू, करने को क्या बोलते हैं, मैंने भी आपको पहले ही बताया था, डू, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखो डू, ठीक है, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी आती है, डू डज में भी आती है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी आती है ना, जब आपने टेंस किया होगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में जब डिड का यूज़ करते थे, तो आपकी जो वर्ब है वो आपकी वी वन आ जाती थी जब भी डिड आता था, ठीक है। तो वॉट डिड यू डू देयर, वहाँ भी तो लिखा है देयर, ठीक है। चलो अब फ्यूचर में क्या करोगे, फ्यूचर में मैंने बताया, इसी को मैंने क्या किया, फ्यूचर में बनाया, आप वहाँ क्या करोगे, कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले रूल देखो, वॉट है ना, वॉट, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, विल, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल, ठीक है। जिनको टेंस आते हैं उनको पहले से ही पता है, लेकिन मैं बार बार थोड़ा बता रहा हूँ कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। तो क्या होगा, वॉट, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, विल, सब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक है, वॉट विल यू डू देयर, ठीक है, राइट, वॉट विल यू डू देयर। तो आप वहाँ क्या करते हो, ये भी हो गया, आपने वहाँ क्या किया, ये भी हमने बना लिया, आप वहाँ क्या करोगे, ये भी हमने कर लिया है, ठीक है। चलो इसके बाद हम इसको बनाते हैं, आप वहाँ क्या कर रहे हो, तो ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपकी, इज, एम, आर, है ना, और वी वन के साथ आई एन जी लगा देते हैं इसमें, ठीक है, ये था इसमें प्रोसेस, राइट। पास्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब थी, ठीक है, इसमें आपका था पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब था, आपको याद आ रहा होगा, अगर जिन्होंने किया है, इसमें वी वन के साथ आई एन जी लगा देते हैं, ठीक है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या आता था, विल,
प्लस बी, इसमें वी वन के साथ आई एन जी लगा देते हैं क्वेश, ठीक है। तो ये इनकी क्या थी जो है, इनकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, कैसे क्या करना है, ठीक। अब तीनों बनाते हैं, आप वहाँ क्या कर रहे हो तो कैसे करेंगे, वॉट, सबसे पहले इसी रूल के अकॉर्डिंग करना है सारा, मतलब टेंस जो है इस रूल में मर्ज हो जाता है आकर, नहीं इस रूल नंबर यानी कि जो डब्ल्यू एच फैमिली का रूल नंबर वन है इसी में सारा मर्ज हो जाता है। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कैसे करना है आपको, वॉट लगा दिया, वॉट, आप वहाँ क्या कर रहे हो, तो वॉट हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू यानी कि आप, तो यू के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा, यहाँ पे आर लगेगा, तो आर ही आता है ना, तो वॉट आर यू, ठीक है, हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लिया, ठीक है, इज एम आर, तो आर आ गया, सब्जेक्ट भी लगा दिया, वर्ब क्या है यहाँ पे, करना, वॉट आर यू डू। अब V1 के साथ क्या है, इसमें ing लगाते हैं तो यहाँ पे हम ing लगा देंगे, ठीक है, वॉट आर यू डूइंग, वहाँ के लिए क्या आएगा, देयर, क्वेश्चन मार्क विल बी देयर, राइट, क्लियर। चलो अब इसको बनाते हैं, वॉट आर यू डूइंग देयर, है ना, हम क्वेश्चन एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन करते हैं, वॉट आर यू डूइंग देयर, है ना। अब पास्ट के अकॉर्डिंग हम करेंगे, आप वहाँ क्या कर रहे थे, तो सेम यानी कि वॉट, ठीक है, वॉट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉट, है ना, हेल्पिंग वर्ब आपका वॉज वर है, तो यहाँ पे यू के साथ क्या लगता है, वर लगेगा, है ना, तो वॉट वर यू, बार बार देखो, वॉट वर हेल्पिंग वर्ब, यू डूइंग देयर, है ना, इसमें भी आपका आई एन जी लग जाएगा, डूइंग देयर, क्वेश्चन मार्क विल बी देयर, राइट। चलो ऐसे ही हम करेंगे फ्यूचर, फ्यूचर में आप वहाँ क्या कर रहे होंगे, इमेजिन कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉट, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, मैंने लिख दिया है आपको, पहले ही बता दिया, विल है, तो वॉट विल, वॉट विल यू बी डूइंग, जिनको टेंस आता है वो कर लेंगे इजी तरीके से, क्योंकि उनको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करना है, तो यहाँ पे वॉट हो गया, Will you, जो इसमें be आता है ना, be आपके सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा, ठीक है, be doing, there रह गया था ना यहाँ पे, ठीक है, what will you be doing there, right। चलो अब perfect की बात करते हैं, तो perfect में पहले helping verb देख लेते हैं, यानी कि present perfect की helping verb क्या होती है, had आता है इसमें, ठीक है, और plus में v3, sorry had नहीं आता इसमें, मैंने गलत बोला है, इसमें आपका आता है हैज़ या हैव प्लस v3, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़, हैव और v3 होती है, यानी कि वर्ब थर्ड आता है। पास्ट में क्या आ जाता है, यानी कि पास्ट के परफेक्ट में हैड आता है, है ना, प्लस में v3 आ जाता है, ठीक है, और फ्यूचर में आपको याद होगा वहाँ पे विल हैव आ जाता है, यानी कि फ्यूचर के परफेक्ट में क्या आता है, विल प्लस हैव प्लस v3, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ, क्योंकि अगर जिस बच्चे को अगर टेंस आता है ना, वो बहुत इजी तरीके से बना लेगा इसको, ठीक है, क्वेश्चन कर सकता है, राइट। चलो तो हमने लिख लिया सारा, अब बनाते हैं इसको, ट्राई करते हैं, आप वहाँ क्या, आपने वहाँ क्या किया है, तो कैसे करेंगे, आपने वहाँ क्या किया है, तो इसको करना कैसे है आपको, बहुत इजी तरीका है, आपने वहां क्या किया है, वॉट, है ना, वॉट, अब यहां पे हैज आएगा या हैव आएगा, सब्जेक्ट क्या है, आपने, आपने को क्या बोलते हैं, यू, तो यू के साथ हमेशा क्या आता है, हैव आता है, तो वॉट हैव यू, ठीक है, अब यू के बाद सब्जेक्ट यू है, यू के बाद क्या है आपका, वर्ब है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, 3 आएगी ना, तो यहां पे क्या होगा, वॉट हैव यू डन देयर, वॉट हैव यू डन देयर, वॉट हैव यू डन देयर, हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ऐसे हम पास्ट में बात करें तो यहां पे क्या आएगा, वॉट हैड आ जाएगा यहां पे, क्योंकि हैड है, वॉट हैड, है ना, हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट यहां पे क्या है, यू, वॉट हैड यू
डन देयर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क विल बी देयर। ऐसे हम बात करेंगे फ्यूचर की, हम इमेजिन कर रहे हैं वहां पे, इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग आपने क्या किया होगा वहां पे, इमेजिन कर रहे हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो यहां पे विल हैव था, तो कैसे करेंगे, वॉट विल, ठीक है, वॉट विल, सब्जेक्ट क्या है यू, वॉट विल यू हैव डन देयर, वॉट विल यू हैव डन देयर, राइट। तो हालांकि ऐसे स्पोकन में ये यूज नहीं करते हैं आपका फ्यूचर परफेक्ट, मैंने टेंस में भी आपको बताया था, ठीक है, लेकिन हमें बनाना सीखना है तो ठीक है। तो मैंने अभी जो आपको बताया है सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू एच फैमिली का, मैंने अभी वॉट बताया है, ठीक है। तो वॉट को हमने अभी किस में किया, प्रेजेंट में किया, पास्ट में किया हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में, फिर ऐसे ही हमने किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, देन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, फिर ऐसे हमने किया प्रेजेंट परफेक्ट में, फिर पास्ट परफेक्ट में, फिर फ्यूचर परफेक्ट में, हमने ऐसे एक एक एग्जांपल किया, ठीक है, राइट। आपको समझ में आ रहा है, चलो हाँ उतार लो इसको फटाफट से।